हेलो गाइस, फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूँ। जैसे कि गाइस, पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारे यूट्यूब चैनल में एक नया मेंबर जुड़ चुका है। आज दोस्तों उसी के बारे में एक रिव्यू बनाएंगे, जो कि मैं बताने वाला हूँ मैं नया लिया हूँ या सेकेंड हैंड लिया हूँ, कितना अमाउंट लगा, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले कार का रिव्यू करते हैं, उसके बाद कितना पैसे में लिया हूँ उसको बताऊंगा लास्ट में। यह है हमारा कार का चाबी, देख सकते हैं नॉर्मल चाबी है, कोई इसमें पावर बटन नहीं दे रखा है, नहीं है इसमें, सिंपल सा नॉर्मल है। और हमारे न्यू मेंबर इधर खड़ा हुआ है, देख सकते हैं हमारे न्यू मेंबर को। तो गाइस, ये है 2018 का टाटा का बेस मॉडल, टाटा बोल्ट है ये है, इसका फ्रंट साइड लुकिंग इस तरह आ रहा है। इसका राइट साइड में देखेंगे तो उसका भी लुकिंग इस तरह आ रहा है। पिछले साइड में लुकिंग इस तरह आ रहा है। अब आप लोगों को दिखाने वाले गाड़ी के अंदर का नज़ारा, देख सकते हैं आप लोग गाड़ी भीतर किस तरह दिखाई देता है। गाड़ी के अंदर जाकर आप लोगों को पास में दिखाने के लिए कोशिश करता हूं अभी आप लोगों को। सबसे पहले की डाल दिए चाबी में, की डाल दिए, उसके बाद क्या करेंगे ना हम, उसके बाद डोर लॉक करेंगे। गाइस, कार के बारे में इतना नॉलेज नहीं है मेरे को, फिर भी थोड़ा बहुत जानकारी आप लोगों को बताऊंगा। हमारे कार का मीटर देख सकते हैं आप लोग, और ये है उसका बड़ा सा LCD, इसमें सब कुछ आएगा। और ये है इसका AC, इधर भी AC दे रखा है, इधर भी AC दे रखा है, चारों तरफ से भी AC दे रखा है गाइस। और ये इसका लाइट, और ये जो चार बटन देख रहे हो, ये हर एक शीशे का और एक बटन है, देख सकते हो। इसको नीचे दबाने से बटन नीचे शीशा नीचे जाएगा, और ऊपर दबाने से शीशा ऊपर आएगा। तो गाइस, ये जो बड़ा सा LCD देख रहे हो ना, इसमें सब कुछ दे रखा है भाई, इसमें सब कुछ दे रखा है। हर गाड़ी में जो चाहिए, जो कोई भी आप चाहिए, इसमें सब कुछ आप दे रखा है, दे सकते हो आप लोग, सब कुछ दे रखा है। हम सब आप में नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे ना यूट्यूब दबाएंगे, देख सकते हो आप लोग, यूट्यूब दबा दिए। वाईफाई कनेक्शन है, आ जाएगा, देख सकते हो आप लोग आ गया। अभी इसको क्या करेंगे ना, बजाएंगे। अभी नॉइज स्लो है, थोड़ा लेट बजेगा, इसलिए इसको बैक कर देते हैं, आप लोग बाद में कभी दिखाएंगे। तो गाइस, ये इसका गियर, और ये है इसका हैंड ब्रेक, और ये है गाड़ी का अंदर का लाइट स्विच, देख सकते हैं। तो गाइस, कार के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, फिर भी मेरे को जितना जानकारी है मैं आप लोगों को बताऊँगा। अभी हम क्या करेंगे ना, थोड़ा गाड़ी आप लोगों को चला के दिखाऊँगा। अभी क्या करेंगे ना, सबसे पहले हैंड ब्रेक नीचे करेंगे, हैंड ब्रेक नीचे कर देते हैं, फिर क्या करेंगे ना, चाबी ऑन करेंगे, एक गियर डालेंगे, हल्का सा क्लोज छोड़ेंगे और एक्सीलेटर दबाएंगे, गाड़ी अपने आप धीरे धीरे गड़ने लगेगा। देख सकते हैं आप लोग, गाड़ी चलने लगा। तो गाइस, देख सकते हैं गाड़ी चलने लगा धीरे धीरे, वाओ मज़ा आ गया भाई साहब। तो गाइस, मैं ज़्यादा दूर तो गाड़ी नहीं चलाऊंगा, मैं थोड़ा सा चला के बंद कर दूंगा, मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को गाड़ी किस तरह चलता है, ठीक है। तो गाइस, ये था हमारा कार का रिव्यू। गाइस, सबसे पहला सवाल आप लोगों को दिमाग में होगा कि गाड़ी में नया लाया हूँ या पुराना लाया हूँ। गाइस, मैं बता दूं, गाड़ी सेकंड हैंड में लाया हूँ। और दूसरा सवाल आपके दिमाग में जरूर होगा, गाड़ी कितने में लाया हूँ। गाइस, गाड़ी मैं 3,80,000 रुपया देकर लाया हूँ विद इंश्योरेंस। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए यार, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए यार। तब तक के लिए धन्यवाद।